ओम शांति आज दो अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति बाबा ने कहा मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो सुखदाई बनो इस देह को भूलते जाओ बाबा ने अपकारियों पर उपकार और देह को भूलना ये दो बातें कही हैं। तो जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हम अपनी पुरानी आदतों के वशीभूत होते हैं तो किसी को कुछ कह देना पर चिंतन करना पर दर्शन करना और अगर कोई हमारे साथ ऊपर नीचे बात करता है तो हम सोचते हैं इसको थोड़ा दो डिग्री ज़्यादा ही करके बताएं ताकि बैलेंस ठीक रहे तो और अगर कोई अपकार कर देता है तो हम सोचते हैं इसका बदला हम लें। ये सब देह अभिमान के कारण है तो बाबा ने कहा देह को भूलो देह को भूलो अपकारियों पर उपकार करो प्रश्न है देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी तो बाबा ने सात बातें बताई हैं। पहला उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा hmm. दूसरा वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी सदा अपार खुशी में रहेंगे कभी मतभेद में नहीं आएंगे हम आत्मा भाई भाई हैं इस स्मृति से गुण ग्राही होंगे उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे सातवां, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को होमवर्क दादियां दिया करती थी कि देही अभिमानी के लक्षण क्या होते हैं हमारी इनिशियल क्लासेस होती थी दे अभिमान और देही अभिमानी में फ़र्क क्या है तो आज बाबा ने ऐसी सात बातें बताई इससे भी अधिक होती हैं आज की मुरली में यह है तो देही अभिमानी को हमको अंडरस्टैंड करना है जब हम कहते हैं दे अभिमान तो उसमें यह नहीं है कि बॉडी कॉन्शसनेस अर्थात मैं अपन को बॉडी समझती हूँ ऐसा तो कोई भी नहीं होता जो अपन को बॉडी समझे लेकिन देही अभिमानी जो है उसमें बाबा कहता है स्वयं को सोल कॉन्शियस स्टेज पर रखो और जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज में होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा ये सब अच्छी बातें जो धारणा की बाबा ने बताई वो होंगी जो पारस्परिक स्नेह इसी से अगर हम इसको मैक्रो लेवल पर ले चले तो देही अभिमानी से ही विश्व बंधुत्व हो सकता है जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे दूसरे को आत्मा नहीं समझेंगे तो वो रूहानियत वो प्यार कैसे उत्पन्न होगा बीच में अगर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हुई हैं डिफ्रेंसेस की तो वो तो पक्का देह अभिमान है वो तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं इन सब से ऊपर उठ जाओ ये सब देह के धर्म है देही अभिमानी अर्थात तो आत्मा के जो गुण है उसकी कॉन्शियसनेस में रहना या उनको अप्लाई करना वो देही अभिमानी बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बिंदु हूँ बिंदु हूँ बिंदु हूँ को याद करूँगी नहीं प्रैक्टिकलिटी ये है तो बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए ये भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है इस दुनिया से जैसे मर गए कहते भी हैं आप मोए मर गई दुनिया यहाँ तुमको जीते जी मरना है शरीर का भान उड़ाते जाओ एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो बहुत उकीर उमंग से बाप को याद करो बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो इसको कहा जाता है एकांत बाप को याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी अरे बाबा ने एकांत का बहुत भिन्न अर्थ बताया एक की याद में रहते रहते शरीर का त्याग करते हैं यानी कहने का अर्थ ये है कि एकांत माना अपने स्वरूप में टिकना बाबा को याद करना बस उसमें रहते रहते और ऐसा नहीं हम कोई कामकाज नहीं करते हैं हम अपने दैनिक कार्यक्रम तो करेंगे ना सारे लेकिन उन सबको करते जो स्मृति में रहे वो एक की ही स्मृति रहे करते करते इस देह का भी त्याग करते हैं बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी बाबा कहते जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में हुँ. ये प्रश्न हम लोग का उठा करता है अब तो नहीं उठता लेकिन शुरू में तो उठता था ये पढ़ाई कब तक चलेगी हमको कब तक पढ़ना है क्योंकि हर डिग्री के लिए कुछ सिलेबस होता है कुछ टाइम लिमिट होती है तो ये कब तक तो? तो हमको बड़े कहते थे जिस दिन तुम देवता बन जाएंगे उस दिन पढ़ाई खत्म हो जाएगी फिर बाबा ने कहा कि ये पुराना शरीर है कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए hmm. देवाला निकला बीमार हुआ बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी अपनी मेहनत करो कृपा मांगो नहीं बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है जितना हो सके योग बल से काम लो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। फिर से लाइन पढ़ेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि जो कर्म चुकतु हो रहा है आ, शरीर का उसमें बाबा मदद कैसे करें? फिर बाबा ने कहा जितना हो सके योग बल से काम लो ये बाबा कहते हैं कि देखो कर्म आपने किए हैं। कर्म किए हैं तो उन कर्मों का जो फल है वो आपको लेना ही पड़ेगा करम भोग आज अगर शरीर रोगी हो जाता है तो हम बाबा कहें बाबा इसको घटा दो कम कर दो तो बाबा उसमें इंटरफेयर नहीं करता है परंतु बाबा हमको युक्ति बताते हैं कि तुम मुझे याद करो याद से योग का बल जमा करो योग का बल जो आपका जमा होगा उससे आपको रोग का सामना करने में शक्ति मिलेगी और आपकी क्योंकि थिंकिंग अच्छी रही अच्छी क्वालिटी के थॉट्स हैं वाइब्रेशंस हैं तो जो उस रोग से अन्यथा दुख मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा उससे आप बच जाओगे बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में गाते मुझे पलकों में छिपा लो प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं ये बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए कि जो बात मत पूछो बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते हैं पलके कोई ये आंखें नहीं ये तो बुद्धि की बात है मोस्ट बिलाव निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं ऐसे मोस्ट बिलावड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें श्रीमत पर चलना है कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी श्रीमत पर चलना है जब हमने इतना करके देख लिया इतने वर्ष करके देख लिया इतने जन्म अपने आप को अपनी मत पे चल के देख लिया औरों की मत पे चल के देख लिया अब बाबा कहते हैं श्रीमत का पालन करो बाबा ने कहा बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो स्वर्ग का मालिक बनाते हो ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए रूहानी खुशी में रहना चाहिए गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए फिर बाबा ने कहा कि ये जो बाबा के थे बाबा से चटके रहना चाहिए यानी ये सारी बात डिपेंड करती है मेरी अपनी वृत्ति पर अगर मैं एक बार ये निश्चय कर लेती हूँ समझ लेती हूँ शिव बाबा हैं, वो मेरा पिता है उससे मुझे सब लाभ हैं, तो उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। जैसे किसी को कहीं से कोई स्थूल लाभ होता है तो उसके पीछे चटका रहता है ऐसे ही इसकी बात मन मना भव मध्य जी भव बस दो वर्जन्स की ये खुराक है ये दो वचन ही नामी ग्रामी है इन दो वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो तुम बच्चों को इन बातों का स्मरण कर हर्षित रहना है फिर बाबा ने कहा कि जितना हो सके एक दो को ये रूहानी खुराक पहुँचाओ एक दो की उन्नति करो टाइम वेस्ट ना करो बड़े धीरज से गंभीरता से समझ से बाप को याद करो अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ hmm. फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए बाप का स... नहीं होना चाहिए बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है बाप का मैसेज तो सबको मिलना है ना मैसेज बहुत सहज है सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं ने करो।, ने। करो फिर बाबा ने कहा कि दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी और सब समझेंगे कि ये अच्छी संस्था अच्छा काम कर रहे हैं रास्ता अच्छा बताते हैं और साइलेंस के ऊपर भी बाबा ने कहा एक दिन तुम्हारा इस साइलेंस का बल आवाज निकलेगा बाबा ने कहा तुम बच्चे देख रहे हो इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं अब ये सभी रोले खत्म होते हैं इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो अब ये पुरानी दुनिया गई की गई इसमें मोह नहीं रखना है अगर मोह होगा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी बच्चों को अतः धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए बाबा ने कहा कि बाबा जो, ये जो कह रहे हैं ना अपार खुशी ये हम लोग को वस्तुतः रहनी चाहिए बाबा के इतने अच्छे माँ वाक्य सुनते हैं बाबा मिलता है दृष्टि मिलती है तो बाबा कहते हैं फिर खुशी क्यों नहीं रहती बाबा ने कहा जिनका हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का भी शौक होना चाहिए अगर देह में मोह है देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है आज का वरदान है मैपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सेवाधारी भाव, hmm. सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैपन का त्याग हो मैं सेवा कर रही हूँ मैंने सेवा की इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ करावनहार बाप है मैंपन बाप के लव में लीन हो जाए इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सच्चे सेवाधारी कराने वाला करा रहा है हम निमित हैं सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते बाबा कहते हैं मैं मैंपन हमको मैला देता है मैंपन से मेरापन भी आता है प्रदर्श्य से आती बहुत कुछ है इससे आत्मा के जो अच्छे शुद्ध संस्कार है ना वो खत्म हो जाते हैं स्लोगन है व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी अच्छा जो जो व्यरथ खत्म करेगा तभी तो, तो फ्री होगा सेवा करने के लिए तो अपने व्यर्थ में बिजी रहता है तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप एस एम एस या व्हाट्सएप करें एट एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थ्री जीरो नाइन पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे ओम शांति